हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो दोस्तों 2020 में आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो आपको सिटी एज वेल एज एडवेंचर टूरर दोनों में काम आए, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि परफेक्ट है सिटी और एडवेंचर टूरर के लिए। आप अगर इसको लेह लद्दाख लेके जाना चाहते हैं, नेपाल लेके जाना चाहते हैं, सिक्किम जहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड रहती है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप इन सब जगहों पे इसको लेके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत घंटा को दबाइए, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राइडर रचित और फेसबुक पेज है राइडर रचित। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों 5वें नंबर पे नाम आता है TVS Apache RR310 का। TVS Apache RR310 का BS6 मॉडल इस साल के शुरुआत में लॉन्च हो चुका है। ये बाइक अब काफ़ी नई और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आ गई है। मेजर चेंज इसके इंजन में हुआ है जो कि अब BS6 हो चुका है। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जो कि अब वो पूरी तरीके से वो TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। और इसमें अब आपको नई कलर स्कीम के साथ साथ मल्टीपल राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे। अगर इसके प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी प्राइस आपको मिल जाती है एक्स शोरूम 2,40,000 रुपये के आसपास। और आपको इसमें ब्लूटूथ एनेबल्ड मैप्स के जरिए भी आप इसमें कनेक्टेड रहेंगे। दोस्तों काफ़ी शानदार बाइक है और एक ट्रूली स्पोर्टी बाइक जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि 4th नंबर पे कौन सी वो बाइक है इस प्राइस सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स 4th नंबर पे नाम आता है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 का। 650 सेगमेंट में इससे अच्छी प्राइस रेंज में आपको और कोई बाइक नहीं मिलेगी। काफ़ी शानदार बाइक है ये, आप एकदम परफेक्ट बाइक है। आप एडवेंचर टूरर इसमें आप कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप आप इसमें कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और पावरफुल बाइक है, काफ़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत आपको पड़ जाती है एक्स शोरूम में 2,65,000 के आसपास। अगर इसके इंजन की बात करें तो 640cc का इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड इंजन आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ। और ये आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 46.8 BHP का, और टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है 52 Nm का। दोस्तों काफ़ी शानदार बाइक है, आप इसको सिटी एज वेल एज लॉन्ग और टूरिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें लंबा टूरिंग करी है। तो दोस्तों प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से डेफिनेटली आप RE इंटरसेप्टर को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि 3rd नंबर पे इस प्राइस सेगमेंट में कौन सी वो बाइक है। दोस्तों अगर मैं कोई बाइक ख़रीदने के बारे में सोचूं तो मैं डेफिनेटली KTM 390 एडवेंचर को लेना पसंद करूंगा। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ये एक पावर पैक्ड बाइक है इस प्राइस सेगमेंट में। इसमें आपको कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और है इसमें जो हेडलैम्प है ऑलरेडी वो LED हेडलैम्प सिस्टम मिलता है इसमें। और अगर इसमें आपको मेजर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS आपको 10 लाख की भी बाइक में आपको ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ आपको 3 लाख के अंदर मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा शानदार बाइक है, काफ़ी आप इसमें लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं, सिटी राइड्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया बाइक है और परफेक्ट बाइक रहेगी। रिसेंट लॉन्च के हिसाब से परफेक्ट बाइक रहेगी आपके लद्दाख, नेपाल, मस्तांग और इधर नॉर्थ ईस्ट वगैरह जाने के लिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड रहता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगी 2,99,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 2rd नंबर पे इस प्राइस सेगमेंट में कौन सी वो बाइक है। दोस्तों 2rd नंबर पे नाम आता है बजाज डोमिनर 400 का। ये बजाज की एक शानदार बाइक है 400cc सेगमेंट में। अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो सिटी राइड और टूरिंग दोनों में काम आ सके तो आप इसे लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये BS6 मॉडल भी इसका लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 5 BHP का ज़्यादा पावर मिलता है BS6 में। और इस बाइक में आपको सभी फीचर्स हैं जो पहले इसमें आते थे। और इसमें LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है, इन्वर्टेड फॉक्स मिलते हैं फ्रंट में,
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है, और इन सब खूबियों के कारण ये एक परफेक्ट बाइक है सिटी और लॉन्ग टूर्स के लिए। और अगर इसके प्राइस की बात करें एक्स शोरूम तो वो आपको पड़ती है 191,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका। तो आइए जानते हैं कि पहले नंबर पे इस प्राइस सेगमेंट में कौन सी वो बाइक है। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे नाम आता है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन BS6 का। BS6 मॉडल लॉन्च हो चुका है और आपके नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी बाइक के बारे में सर्च कर रहे हैं जो सिटी और एज वेल एज एडवेंचर टूर को आप आसानी से कवर कर सकें तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप डेफिनेटली इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इस बाइक का डिज़ाइन हो सकता है सभी को पसंद ना आए, लेकिन इसमें ऐसे कुछ शानदार फीचर्स हैं जो दूसरे बाइक के कंपैरिजन में आपको इस बाइक से अलग करती है। सबसे बड़ा चेंज दोस्तों है इसके BS6 इंजन में। इसका पावर इंक्रीज़ हो चुका है, टॉर्क भी इंक्रीज़ हो चुका है और पावर टू टॉर्क रेशियो काफ़ी शानदार है इस बाइक का बाकी बाइक्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर मेजर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चेंज हो मिलता है स्विचेबल ABS का, और साथ साथ इसमें हैजार्ड लैंप भी आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, काफ़ी रीजनों से इसका रिक्वायरमेंट था। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए इन 5 बाइक्स में से आप लोगों को कौन सी वो बाइक पसंद आई है, और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछें, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। और अगर इसके प्राइस की बात करें हिमालयन BS6 का तो वो आपको पड़ता है 1,87,000 एक्स शोरूम। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी प्राइस बताई हैं सभी गाड़ियों की वो एक्स शोरूम है, ऑन रोड प्राइस इसका बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।